54 नॉट इन कोर्स। क्यों नॉट इन कोर्स? तो रिडेम्पशन है, डिबेंचर्स में रिडीम वाला सोच पहले हुआ करता था, अब आपके लिए हर बार थोड़ी ना बुक को मेंट करते चलें, ठीक है ना। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन है कि 2000 रिडीम हुए 19 में, फिर 20 में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कोर्स में नहीं है। अब मैं उसकी जानकारी क्या, डिबेंचर 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 मतलब यूजलेस है ना, फायदा क्या, जब कोई जरूरत नहीं। नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स, ओके। और कोई चीज काम की, बाकी सब इशू का डिस्काउंट, रिडीमेबल प्रीमियम, सेम बात है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब सोचो ना, देखो कैसे ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब बेसिकली जो लॉस का अकाउंट है वो 3 साल का बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब तो फर्स्ट ईयर में पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जैसे जैसे डिबेंचर्स रिडीम होते रहते थे प्रोपोर्शनेटली लॉस राइट ऑफ होता था। अब तो फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। अब लॉस फर्स्ट ईयर में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाता है। पुराने जमाने का क्वेश्चन है जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कोर्स में हुआ करता था, अभी रिडेम्पशन कोर्स में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। 56 फिट इंडिया एज पेड अप शेयर कैप, तो ये तो भैया शेयर कैपिटल भी आ गई, डिवेंचर्स भी आ गए। ऑन 1 जुलाई इट फर्दर इशूड डिवेंचर्स, इशूड एट अ प्रीमियम, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, पैसे चाहिए थे। द इशू प्राइस वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम आफ्टर द इशू ऑफ डिवेंचर्स इज 25 लाख। इसका मतलब डिवेंचर्स वाले इशू एट अ प्रीमियम पहले से कुछ था। चलो लॉस ऑन इशू फॉर द ईयर इज 10 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, पेयर द लॉस ऑन, पेयर लॉस ऑन, ठीक है जी। पास द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर, ठीक है। ये कोर्स में है, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ वो नहीं है जो कोर्स में ना। पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है। ऑलरेडी हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। 1 जुलाई 2021 को फर्दर इशूड 7% डिबेंचर्स। तो मेन काम की बात क्या हुई हमारी कि इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, हमें कितने पैसे चाहिए थे, 1 करोड़ 65 लाख। कितने होते हैं 65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख चाहिए थे टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट। कितने और चाहिए फर्दर इशूड, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 10। डिबेंचर्स डिबेंचर दिखाए, डिबेंचर्स और रुपीज 200 ईच, सेम 7% डिबेंचर्स हैं, ओके जी। तो 200 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो कितना, 220। देखें जरा, 1 करोड़ 65 लाख डिवाइडेड बाय 220, 75,000 डिबेंचर्स आता है इसके हिसाब से। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि पुराने का भी तो हो सकता है, प्रीमियम कितना है 20 का आता है 15 लाख रुपए, और वो कुछ बता रहे हैं कि बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर इज 25 लाख। तो पहले से होगा भैया 10 लाख, मेरे को फंड रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ 65 लाख, मेरे को फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 करोड़ 65 लाख की, मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, डिबेंचर्स इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम तो लॉस क्रिएट करता है। मेरे पास पैसे जो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन है वो तो इशू प्राइस पे ही होती है, कि मेरे को देखना मेरे को पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, 1 करोड़ 65 लाख चाहिए, तो 1 करोड़ 65 लाख रुपीज चाहिए, तो मैं कितने डिबेंचर्स इशू करूंगा। बेसिकली मैंने किसी की 1 करोड़ 65 लाख की परचेज कंसिडरेशन सेटल करनी है, तो मैं कितने डिबेंचर्स इशू करूंगा, बात सिमिलर है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट रिक्वायर्ड इन दिस केस, अमाउंट पेबल इन द केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो वही करा हमने, अमाउंट रिक्वायर्ड 1 करोड़ 65 है, इशू प्राइस 20% था 10% था, 10% है ना, तो 200 का 10% 20 रुपीज 220, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए 75,000, तो अगर 75,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम में कितना आया होगा 15 लाख। एंट्री पास कर देता हूँ मैं आपको, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने डिबेंचर हैं 75,000, द एंटायर मनी इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो मुझे तो पूरे पैसे चाहिए, तो पूरे पैसे आएंगे 1 करोड़ 65 लाख, कैसे आए 75,000 into 220। अब ध्यान से देखें, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू 7% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पैसे आए 1 करोड़ 65 लाख। लॉस कितना है, कितना प्रीमियम है 25%, तो कितना इंटू 78,000 इंटू कितना प्रीमियम 25% ऑफ 250, 75 का हाफ, वो सब तभी तो डिस्काउंट का है, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम है। डिबेंचर्स कितने हैं, कितने डिबेंचर्स निकले हमारे 75,000, 78,000 फेस वैल्यू क्या है 200, प्रीमियम पे इशू हुआ है 20, 7 to 15 lakh, और ये कितना हो जाएगा 1 करोड़ 15 lakh, सर भाई तो 165 हुए, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो कितना है 50 rupees, 37,50,000, क्लियर। अब ये लॉस राइट ऑफ होना, तो लॉस राइट ऑफ होने के लिए उन्होंने हमें खुद बताया कि आफ्टर दिस इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने पड़े हैं 25 लाख, कितने पड़े हैं 25 लाख, लॉस राइट ऑफ 31st March, जो भी उनकी डेट है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा। मैं पहले राइट ऑफ कर रहा हूँ, मतलब आपको जर्नल इज टू बी प्रिपेयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, तो उन्होंने इंटरेस्ट की भी एंट्रीज मांगी हैं, चलो ठीक है ना, जब मतलब क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो मैं बोलता हूँ वो सबको याद नहीं रहता, नॉर्मल। ऑन 1st July 2021, तो ये इशू की डेट क्या है 1st July 2021, इंटरेस्ट इज पेबल 30th September and 31st March, क्या क्या चाहिए उनको, इशू हो गया, लॉस अकाउंट भी बना के दिखा देंगे इनको, और इंटरेस्ट की एंट्रीज चाहिए। अब क्या 30th September 2021 अमाउंट एक करके दिखा देता हूँ, इसी में थोड़ा दिमाग लगना है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, क्या है आपका टीडीएस तो है नहीं। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने डिबेंचर्स, आपने लोन लिया एक तरह से, तो अगर मैंने 1st July को लोन दिया लिया है तो 1st July से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 months का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, वैल्यू भी तो छोटी मोटी है, 1 करोड़ 50 लाख का 7% फॉर 3 months, ये ध्यान रखना है कि सर वो तो हाफ ईयरली है, हाँ तो जब लोन लिया तब से तो दूंगा मैं 1 करोड़ 50 लाख, थाउजेंड लैक्स 3 to 5
1 करोड़ 50 लाख है ना अमाउंट? चलो गरीबों की निशानी, 7% और 3 मंथ्स, करोड़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, 262,500, 262,500। उनको भी इंटरेस्ट चाहिए, देते हैं उनको भी। पहले से भी कुछ डिबेंचर इशू चल रहे हैं। 10,000, गुड पॉइंट, 10,000, 7% डिबेंचर है, पुराना उधार भी ले रखा है, उसको कौन देगा, हम ही देंगे बेटा। तो 10,000, तो 10,000 मतलब, 10,000 का मतलब 2 लाख 20 लाख, 20 लाख रुपीस एडिशनल आपका हो गया। तो प्लस 20 लाख का 10,000, 2 लाख 20 लाख, ठीक है। 20 लाख का 7%, ये 6 मंथ्स का आ जाएगा, ये 6 मंथ्स का आ जाएगा। 2 7 140, 140 का हाफ 70,000, इसका कितना था? 262,500, फिर से कितना, 7 2 140, 140 का हाफ 70, तो 332,500, 332,500 पे कर देंगे। अब जब नेक्स्ट ईयर आप फेयर का लगाएंगे तो ये जो 1 करोड़ 50 लाख है उस पर पूरे साल का लग जाएगा, ठीक है ना, मतलब पूरे 6 मंथ्स का लग जाएगा, पूरे 6 मंथ्स का, और बाकी 20 लाख पे तो 6 मंथ्स का वही 70,000, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट रिपीट, एडिशनल एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट पूरे साल का, ठीक है, विद आउट। अब राइट ऑफ, ऑल दो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप कर लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हो गया था हमारा, ना ना लैक्स में बातें चल रही हैं, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 लाख, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 लाख, तो 25 लाख ये यूज होगा, टोटल लॉस है 3750, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितना यूज होगा, 1250। कोई डाउट सर? उन्होंने अकाउंट मांगा है, दे देते हैं बेटा उनका अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू 2x% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिस्काउंट का पोर्शन होता है, जो डिस्काउंट का पोर्शन होता है वो डिबेंचर्स का पार्ट है। जैसे 200 रुपये का डिबेंचर है, अगर डिस्काउंट होता, यहाँ पे तो है नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ना, फंस कहाँ जाओगे जब डिस्काउंट होगा, प्रीमियम में तो बहुत आसान है, क्योंकि जो भी लॉस हुआ है किस वजह से हुआ है, प्रीमियम की वजह से हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्काउंट का अकाउंट होता, डिस्काउंट का होता तो यहाँ जैसे डिस्काउंट लिखते हैं, लॉस लिखते हैं, अकाउंट तो दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आता है 2x% डिबेंचर्स, क्या आता है यहाँ पे, 2x% डिबेंचर्स, तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू x% डिबेंचर्स, बट जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से लॉस हुआ है उसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब आप अगर मर्ज कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो दिखाएंगे टू, जितना डिस्काउंट का पोर्शन है वो डिबेंचर्स के थ्रू दिखाएंगे, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के थ्रू दिखाएंगे। क्लियर? क्या डेट है? 1 जुलाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पे डिस्काउंट था ही नहीं,
इसलिए वो प्रॉब्लम यहाँ थी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि वो प्रॉब्लम फंस जाते हैं बच्चे जब बनाते हो, अब क्या करें, किसको, डिबेंचर्स को क्रेडिट नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को क्रेडिट नहीं कर सकते। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था, 37,50,000। 31 मार्च को राइट ऑफ हो रहा है, तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कोई डाउट? सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 लाख 1250। क्लियर? और चाहिए कुछ? इंटरेस्ट आपको बता दिया, इशू की दिवस, ठीक है जी, चलो मुबारक हो। कैलकुलेशन कर लेंगे ना इंटरेस्ट की, तो कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।